हूं अभिषेक और इस वक्त मैं मौजूद हूं झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के राजनगर प्रखंड में। यह बूथ संख्या 170-71 है, जहां पे देख सकते हैं आप कि काफ़ी संख्या में सुबह से ही महिला एवं पुरुष की जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में दिखाई दे रही है। 17% के आसपास में मतदान सवा दो घंटे के आसपास में हुए हैं, 17% के आसपास में मतदान हो चुकी है। ये झंझारपुर का लोकसभा का थोड़ा सा मैं समीकरण पहले बता दूँ आपको कि यहाँ पर 3 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में जो है त्रिकोणीय मुकाबला नज़र आ रहा है। यहाँ पे जब सबसे पहला प्रत्याशी के रूप में बता दूं कि मैं यहाँ पे RJD के जो विधायक है झंझारपुर के वो लोकसभा से ताल ठोक रहे हैं RJD के टिकट पे। दूसरे प्रत्याशी हैं यहाँ पे जदयू के जो रामप्रीत मंडल हैं, प्रमुख रह चुके हैं पुतौना के, वो जदयू के टिकट पर यहाँ पे हैं। तीसरा यदि बात किया जाए तो देवेंद्र प्रसाद यादव भी इस मुकाबले में हैं जरूर और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे हैं। तकरीबन यहाँ पे 18,52,000 जो मतदाता हैं वो अपने वोट का यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं और जो 17 प्रत्याशी हैं उनके भाग्य को EVM में कैद करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे जो पब्लिक है वो किस मुद्दे पर चयन कर रही है, वो किस मुद्दे पर वोटिंग करना चाह रही है, क्या मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा यही है कि नहीं पार्टी का नाम मत लीजिए किसी गोती का, ये बताइए कि किन मुद्दों के आधार क्या रहता है? बस वही आधार था, वो आधार अंदर में बन चुका है सर, इसका काहे खोलवा। और भी कुछ लोगों से जानते हैं कि किन मुद्दों को मुद्दे क्या रहते हैं जो चुनाव में हैं, जो वोट गिराते हैं उससे मुद्दे क्या रहते हैं, किस पार्टी का नाम मत लीजिए सर। हम तो यही सोचते हैं कि हम आदमी अच्छा विकास करे गाँव के लिए वो चीज़ अच्छा है, और यहाँ जो विकास नहीं करेगा तो उसके लिए कुछ नहीं है। हम लोग जिसको पार्टी में वोट देते हैं हम लोग उसी का सपोर्टर है, हमारे लिए अच्छा काम करें। किस मुद्दे के आधार पर वोटिंग की? जो इंडिया को अच्छा चलाया है आज तक, जो शेयर बन के है उन लोगों को हम सपोर्टर हैं अभी तक इंडिया में, और उनका सपोर्टर भी रहेंगे। ठीक है, जो अच्छा काम हमारे इंडिया में करेगा उसको हम अच्छा सपोर्टर करेंगे, पूरे यहाँ का जनता सपोर्टर करेगा। ठीक है, चलिए हम कुछ महिलाओं से भी जानते हैं कि महिलाओं का क्या है वोटिंग का जो आधार है वो क्या है। वोट गिरावे ले लिए सोच करके कौन आधार पर सांसद के गिरवे ले लिए, कथी के किस भी खाली गिरवे ले चले लिए सरकार अखन वोट खान में कते चलती है से फोटो पर फोटो खिंचाई आ दिया खान में गरीब के कते चलती रहे से धनी के ले या गरीब ने। अच्छा, चुनाव टाइम में सक्रिय भऽ जाइ छै सब फोटो खींचे ला, बाकी टाइम में नहीं रहै छै। अहाँ के की लगे यहाँ पर देख रहे हैं सभी के अपने अपने मुद्दे हैं, सभी के अपने अपने राय हैं। आज जो 17 प्रत्याशी हैं उनके EVM में जो उनके भाग्य का फैसला कैद हो जाएगा।